दोस्तों, जब भी कोई इलेक्शन आता है तो हमारे मन में हमेशा एक सवाल आता है कि हमारा जो नाम है वो अब भी वोटर लिस्ट में है या नहीं है, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि जब नए नए अपडेट्स होते हैं तो कई बार बहुत से लोगों के जो नाम है वो वोटर लिस्ट से हटा दिए जाते हैं। तो कैसे कन्फर्म करें कि आपका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में है या नहीं है, इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। सो हाय गाइस, माय नेम इज मोहम्मद शब्बीर एंड यू आर वॉचिंग मूवी कॉम टिप्स। तो बिना किसी देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए अगर आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो क्रोम ब्राउजर को ओपन करके डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन इनेबल कर लेंगे, और अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो जो भी ब्राउजर आप इस्तेमाल करते हैं उसे ओपन कर लेंगे और गूगल की साइट पे चले जाएंगे और सर्च में लिखेंगे वोटर इन्फॉर्मेशन और लिख करके सर्च पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख जाएगी वोटर इन्फॉर्मेशन ECI की साइट electoralsearch.in। तो आप यहां पे भी क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट एड्रेस बार में electoralsearch.in लिख करके इंटर कर सकते हैं। तो यहां पे आप देखें, जैसे कि मैं electoralsearch.in लिख करके इंटर कर देता हूं। तो जैसे ही आप electoralsearch.in लिख करके इंटर करेंगे, यहां से आपको राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, या तो आप अपने डिटेल्स को फिलअप करके खोज सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है, या फिर पहचान पत्र का जो नंबर है जिसे EPIC नंबर कहते हैं उसे भी इंटर करके आप देख सकते हैं कि आपका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में है या नहीं है। तो पहले ऑप्शन की अगर बात करें सर्च बाय डिटेल्स, तो इसमें आपको आपका नाम, एज या फिर डेट ऑफ बर्थ और किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं और कौन सी असेंबली है, तो सारा कुछ इसमें आपको सिलेक्ट करना होगा और सही सही सिलेक्ट करना होगा। और फिर उसके बाद आपका जो भी जेंडर है, और फादर का नाम अगर यहाँ पे आप देखें फादर या हस्बैंड के नाम है तो ऑप्शनल है, अगर ये नहीं भी फिलअप करेंगे तो चलेगा। तो ये सारा कुछ आपको सही सही फिलअप करना पड़ेगा। और ये जब आप नए वोटर आईडी के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर आप ये कह लेंगे जब पहली बार आप रजिस्टर कराने के लिए आप फॉर्म फिलअप करते हैं, तो जो डिटेल्स आप उसमें फिलअप किए होंगे वही डिटेल्स सेम यहाँ पे भी आप फिलअप करेंगे। अगर गलत डिटेल्स आप फिलअप करेंगे तो आपका जो वोटर लिस्ट में नाम है वो सही से शो नहीं होगा, तो शायद आपको सही से पता चलेगा कि आपका नाम है या नहीं है। और ये सब कुछ फिलअप करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे कोड दिखाई देगा जिसको कैप्चा कोड कहते हैं। तो ये इमेज में आपको जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। और उसके बाद खोजें या फिर सर्च की बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखें अभी ये जो कैप्चा कोड है ये गलत था, या गलत तरीके से मैंने इंटर किया तो यहाँ रॉन्ग कैप्चा आ गया। तो फिर से हम इसे इंटर करते हैं जो नया कोड आया हुआ है। ऐसा करने के बाद फिर से सर्च की बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जितने भी आपकी सर्च से रिलेटेड नाम है वो शो होने लगेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि आपका नाम और आपके फादर का नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जो सब कुछ है वो मैच करा करके आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपका नाम है या नहीं है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपके पास पहचान पत्र का नंबर है या EPIC नंबर है तो आप उसके थ्रू चेक करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर आप देखें व्यू डिटेल्स की बटन है, इस पर क्लिक करके आप पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि आपका ही ये नाम है या किसी और का है। तो इस तरह से आप यहां से कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा अच्छे तरीके से कंफर्म करने के लिए आपको दूसरा ऑप्शन अगर सिलेक्ट करते हैं आप तो ज्यादा बेटर है। तो इस तरह से दूसरे ऑप्शन को हम देखते हैं। अब यहां पे सर्च बाय EPIC नंबर वाले ऑप्शन को हम क्लिक कर देंगे। तो जब इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें मतदाता पहचान पत्र क्रमांक यानी EPIC नंबर आपको यहाँ एंटर करना होगा। तो जब आप अपने पहचान पत्र पे देखेंगे तो यहाँ पर जो पिक्चर में शो किया जा रहा है आपको आपके पहचान पत्र का EPIC नंबर मिल जाएगा। तो वो जो नंबर आपके पहचान पत्र पे है वो यहाँ पर इंटर करेंगे। और इंटर करने के बाद नीचे लिस्ट में से अपना स्टेट चूज कर लेंगे और यहाँ पर कैप्चा इमेज में जो कोड दिखाया जा रहा है वो कोड यहाँ पर इंटर करेंगे। ऐसा करने के बाद सर्च की बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सर्च की बटन पे क्लिक करेंगे बिल्कुल एक ही नाम यहाँ पे आएगा जो कि आपका नाम होगा,
और जो सारी डिटेल्स होंगी वो आपसे रिलेटेड होंगी। तो अगर यहाँ पर आपका नाम शो करता है यानी कि आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में है, और अगर आपका नाम यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि आपका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में नहीं है या वोटर लिस्ट से हट गया है, तो आपको उसे फिर से अपडेट कराने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप अपने नाम को चेक कर सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो इस पे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए मोबीकॉम टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।